बहुत तोड़ मरोड़ करके वीडियो को प्रस्तुत किया गया है। उस सभा में मुख्य अतिथि मैं था। मेरी बाईं तरफ विधायक सदर पंकज गुप्ता बैठे थे, दाईं तरफ श्री अरुण सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख बैठे थे। एक व्यक्ति आया, किसान यूनियन टोपी लगाए हुए था। पंकज जी ने कहा, और चाचा, उसने प्यार से, ऐसे प्यार करते हैं बड़े बूढ़े लोग, ऐसे प्यार किया था, लेकिन लोगों को समझने में गलती हुई। सुनते हैं उसने स्पष्टीकरण भी दिया है कि मैं इस प्रकार से इनके साथ पहले से 85 बार करता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी जैसे कयास लगाए जा रहे। धर्म सांसद में मौलाना तकीर रजा ने मुस्लिम की उपेक्षा को लेकर गृह युद्ध की धमकी दी है, क्या कहेंगे? 2012 में सपा के सरकार में तौकीर रजा दर्जा प्राप्त मंत्री भी रहे। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि समाजवादी पार्टी में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे तौकीर रजा, मुस्लिम धर्म संसद में घोषणा करते हैं कि हिंदुस्तान में गृह युद्ध करेंगे। मैं बहुत शालीनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मोनी बाबा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हैं, 56 इंच के सीना वाले मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, माननीय अमित शाह जी गृहमंत्री हैं। और उन्हें याद रहे कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नरेश योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, गृह युद्ध करने वालों को 50-60 गड्ढा खोद के दफना दिया जाएगा। इस हिंदुस्तान में गृह युद्ध करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। जी बहुत पढ़े लिखे हैं, हम उनको सलाह देना चाहेंगे कि उनके सपने में भगवान कृष्ण आते हैं, हमने अयोध्या का उद्धार कर दिया, काशी का उद्धार कर दिया, उनको ही वोट चाहिए, वोट बटोरना है, तो अपने बंसल कृष्ण के मंदिर का उद्धार कर लें और कहें ये आंदोलन तो हम करेंगे, आज ही प्रारंभ कर दें। कल फिर बीजेपी कृष्ण के मंदिर को, मथुरा आंदोलन को आगे बढ़ाएगी तो कहेंगे वोटों की राजनीति कर रहे, तो भैया तुम कर लो ना, कृष्ण रोज आते हैं आपके सपने में, क्या परेशानी है।